आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, या फिर अगर आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में आपको जानना है कि कंडीशन कैसी है तो आप कौन से टेस्ट कराएं। हेलो नमस्ते, मैं हूं प्रीति और आपका स्वागत करती हूं जिंदगी विद प्रीति में। तो किडनी फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हम अपने किडनी के हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं। अब ज़्यादातर पेशेंट होते हैं या ज़्यादातर लोग जब टेस्ट कराते हैं तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आता है और वो ये कहते हैं कि हमारी किडनी खराब है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके रिपोर्ट में क्रिएटिनिन से बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी खराब हो गई है या हो रही है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको देखने की हमें ज़रूरत होती है। चलिए तो ये समझते हैं कि आखिर ये क्रिएटिनिन होता क्या है। तो क्रिएटिनिन जो होता है वो हमारी मसल्स से मिलके बनता है। जब हमारी मसल्स में मूवमेंट होती है तो ये क्रिएटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं तो हमारी जो मसल्स की मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी कभी कभी क्रिएटिनिन ज़्यादा दिखाई देता है या ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है। या फिर कुछ ऐसे बीमारियाँ होती हैं जैसे कि जॉइंटिस हो गया, फीवर हो गया, इनमें भी कभी कभी क्रिएटिनिन ज़्यादा दिखाई देता है। तो अगर आपका सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है एंड तब फाइनल कन्फर्मेशन पर पहुँचना चाहिए कि हाँ मेरी किडनी ख़राब है कि नहीं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपकी किडनी ख़राब है और अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली सिम्टम्स भी होंगे, जैसे कि आपके पैरों में सूजन हो गया, फेस पे स्वेलिंग हो गया, आपको बहुत ज़्यादा हेडक, उल्टी, मतलब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं सबके। तो कुछ सिम्टम्स तो आपके जो कॉमन है वो होंगे ही होंगे, जो आपके यूरिन में झाग आना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ा हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है लेकिन आपको सिम्टम्स सारे हैं, जैसे कि मेरे केस में था। जब मेरी स्टार्टिंग में किडनी ख़राब हुई थी, जब मैंने टेस्ट कराया, जब डॉक्टर ने देखा तो मेरे सिम्टम्स सारे ही थे। मतलब सिम्टम्स मेरे को उल्टी बहुत ज़्यादा आती थी, भूख नहीं लगना, ये सब था मेरे अंदर। बट मेरे जो रिपोर्ट जब हुई थी तो रिपोर्ट में क्रिएटिनिन नॉर्मल था। तो इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं जो हमें देखने की नीड पड़ती है इसके अलावा कि हमारी किडनी ख़राब है कि नहीं, कन्फर्मेशन के लिए। तो जो इसके बाद आता है वो होता है यूरिया। अब देखिए, अगर आपकी रिपोर्ट में यूरिया बढ़ा हुआ नहीं आ रहा है तो मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्रिएटिनिन देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपकी किडनी ख़राब है कि नहीं है। और अगर आपका यूरिया बढ़ा हुआ आ रहा है रिपोर्ट में तो इसके अलावा और चीज़ें देखने की नीड है, जैसे कि इसके बाद आता है पोटेशियम। अब देखिए, पोटेशियम जो होता है हमारी बॉडी की नीड है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। बट अगर यही पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी हार्ट को डैमेज कर सकता है। जो नसें होती हैं जो हमारे हार्ट तक ब्लड सप्लाई का काम करती हैं, ब्लड पहुँचाने का काम करती हैं, ये उनको कमज़ोर बना देता है, जिससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है। अब इसके अलावा जो हम देखते हैं वो होता है GFR। GFR से हम ये पता लगाते हैं इस टेस्ट के बाद कि हमारी जो किडनी है वो जो फिल्टर कर रही है यूरिन से कितना कचड़ा, यानी कि कितना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। और अगर ये ज़्यादा निकल रहा है तो ऑब्वियसली ये एक खतरे की घंटी है। इसके बाद होता है यूरिन रूटीन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किडनी की हेल्थ जानने के लिए। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ ब्लड टेस्ट की, ये यूरिन टेस्ट है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि आखिर जो यूरिन के माध्यम से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है। और अगर हमारे यूरिन में ब्लड के टेरेस या फिर ज़्यादा प्रोटीन लॉस पाया जाता है तो ऑब्वियसली हमारी किडनी ख़राब है। अगर नहीं पाया जाता है तो हाँ ठीक है, तो इस टेस्ट के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारी किडनी ख़राब है कि नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ध्यान रखें और किसी की ना सुने, सिर्फ डॉक्टर की सुने और ऊपर वाले से दुआ करें और मस्त रहें, एनर्जी लेवल अपने बॉडी में मेंटेन रखें, एक्टिव रहें। बस इतना बहुत है।